रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की गई। संगठन के आदिवासी नेता ने बताया कि आगामी चुनाव में आदिवासियों के हित और अधिकार के साथ सर्वगुण विकास हेतु जिस प्रकार से आदिवासी संगठन के लोग लगातार संघर्षरत रहे हैं, उसे बताया जाएगा। आदिवासी धर्म कोड, समान नागरिक संहिता, इन सभी आदिवासी से जुड़े मूलभूत विषयों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की क्या राय है, इन विषयों को लेकर दोनों दल के नेताओं को पत्र दिया जाएगा। देखिए, हम लोग आज मुख्य रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो झारखंड के और राष्ट्रीय स्तर के कुछ आदिवासियों के मुद्दे हैं, उस पर हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं जो बीजेपी से, कांग्रेस से, जेएमएम से, कि हमारे मुद्दे को जो है वो अपनी घोषणा पत्र में डाले। तो पहला है कि जो 1951 तक हम लोग आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम था, उसको 1961 में हटा दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है पार्टी जो है अपने घोषणा पत्र में डाले। दूसरा जो है 2025 में पुनः परिसीमन होने वाला है। 2001 के परिसीमन में 6 सीट आदिवासियों को घट चुका है और 2-3 सीट और घटने का पूरा उम्मीद है। 8 सीट करीब घटेंगे 28 में। तो इस पर पार्टी का क्या राय है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। तीसरा जो है समान नागरिक संहिता UCC अगर इस देश में लागू करने का प्रयास चल रहा है, अगर ये लागू होता है तो आदिवासी का अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा, आदिवासी मुक्त भारत बन जाएगा, उसका प्रथागत कानून। तो इस पर हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का राय आए। और जो है हम लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, चूँकि झारखंड में बहुत सारे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हम लोग ST SC को तो आरक्षण मिल जा रहा है, OBC को नहीं मिल पा रहा है, तो आपसी बड़ा दुश्मनी टाइप लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका जाति जनगणना हो भारत सरकार, और उसके जनसंख्या के आधार पर उनको जो है आपको हिस्सेदारी मिले। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई झारखंड में CNT Act SPT Act लागू है, इसके बाद भी आदिवासियों की जमीन जो है लूटी जा रही है। तो इस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम का क्या रुख होगा? क्या CNT Act SPT Act को सशक्त सख्ती से लागू करने का क्या सरकार विचार करती है? तो ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हम लोग आज सभी को जो है पत्र दे देंगे, जो है बीजेपी का प्रभारी को, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल का नेता, कांग्रेस का भी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल का नेता, और माननीय मुख्यमंत्री जी और हेमंत सोरेन का पत्नी जो है कल्पना सोरेन को, ये हम लोग आज जो है पत्र देंगे।